नमस्ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, 41, 52 ये तीनों क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, एक ही जैसे हैं। बेसिकली ये है कि अगर मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई डोनेशन देता हूँ तो क्या चैरिटेबल ट्रस्ट कोई सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वही क्वेश्चन है। और मैंने सप्लाई का मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सप्लाई का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू पार्टीज, मैं कुछ दे रहा हूँ वहां से कुछ मुझे वापस मिल रहा है, चाहे कैश में मिल रहा हो या एक्सचेंज में मिल रहा हो, क्विड प्रो क्यो होना बहुत जरूरी है, तभी दैट इज द फर्स्ट लिम ऑफ सप्लाई। तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइडिंग फ्री सप्लाई ऑफ फूड टू नीडी पीपल। मेनी पीपल टू एनकरेज दिस नोबल कॉज गेव डोनेशन टू दिस ट्रस्ट, स्पेसिफिकली मेंशनिंग दैट द डोनेशन इज टुवर्ड्स पुअर फीडिंग। द टोटल डोनेशन अमाउंट exceeds 20 lakh, what is the GST implication? Now, whether this charitable trust is supplying any, whether this transaction involves any supply, तो obviously no है. लेकिन charitable trust ये कह दे कि जो मुझे donation देगा उसका हम लोग advertisement करेंगे, उसके brochures में हम लोग अपना नाम लिखेंगे आपका, तो वो supply बन जाएगा। Now, free supply of food to poor is not a supply, तो वो तो खैर supply नहीं है। लेकिन जिस जो डोनेशन दे रहा है तो क्या चैरिटेबल ट्रस्ट कोई सप्लाई कर रहा है, तो देर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट एंड पुअर कैनॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट गिविंग फ्री फूड टू पुअर पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 7(1)(a)(b)(c). ठीक है, देयरफॉर द सेम शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, हेंस सच एक्टिविटीज आउटसाइड जीएसटी। फर्दर, ना ये इंपॉर्टेंट है, further donation received from individual donors will not amount to supply assuming they all satisfies the conditions or guidelines specified in circular this. aur ye circular mein wahi tha, the gift or donation is made to a charitable organization, the payment has the character of gift or donation, the purpose is philanthropic and not advertisement. ye jo ye line bahut zyada important hai, to jab bhi aapke paas ye fact aaye to aap ye puchhiye charitable trust se, ye jo donation mil raha hai kisse mila hai aur kyon mila hai, kya aapne is donation ke badle, jisne donation diya uske badle kuch extra kya kiya hai, agar kuch nahi kiya hai to wo donation ke upar gst nahi lagega. it leads to no commercial gain, no reference or mentioning of any business activity of donor. to ye अब क्वेश्चन 41 सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, वो कर लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन वेदर डोनेशंस एंड सेवा कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय टेंपल्स इज लेवेबल अंडर जीएसटी। सेम सप्लाई का उन्होंने डेफिनेशन लिख दिया, फिर फर्दर डेफिनेशन कंसिडरेशन का लिख दिया, और यहां पर एक बात जो इस पैराग्राफ में लिखी यही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट डोनेशंस एंड सेवा कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय द टेंपल शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशंस बीइंग मेड इन रिलेशन टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो एंड हेंस जीएसटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, एकदम सिमिलर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। whether GST levyable on grants or donations received by trust if the document giving grant ask for utilization certificate. GST is levied on supply of goods or services or both. grants donation received by trust which has no nexus with the respect to any supply of goods or services are not to be treated as supply but purely as donation to be used for specified purpose or object. accordingly the same would not be liable to GST. if the grants or donation are received by a trust towards supply of goods or services which are not exempt then same would be liable to GST. to grant or donation receive kar raha hai towards supply of goods or services, yani ki trust kuch supply of goods or services kar raha hai, uske karan usko koi donation mil raha hai, to wo uske upar GST lagega. तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बताते हैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, वाकई में जीएसटी आने लगेगा। 170 आवर्स का है, और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750, बस पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से, 1750 का।
जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम वन में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें, कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए जहाँ पर आप GST प्रैक्टिशनर हैं, दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू 1000, अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला FAQ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और YouTube चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।